हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे टैग के बारे में पढ़ने वाले HTML के अंदर जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले दो टैग के बारे में। तो सबसे पहला टैग है वो है हमारा ABBR एबर, और जो दूसरा टैग है वो है DFL। लगभग दोनों सेम ही है, ये किसी भी डेफिनेशन को शो करने के लिए यहाँ पे काम आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन एंड यूजेस। तो यहाँ पे ये DFN काम क्या आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द DFN टैग स्टैंड फॉर डेफिनेशन स्टेट एलिमेंट। तो जब हम कोई भी डेफिनेशन देते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे DFN यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन टैग का काम क्या होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ राइट नाउ पे, और यहाँ पे जो HTML लिखा हुआ है उस पर जैसे ही मैं होवर करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि HTML मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में भी बहुत सारी, जब विकिपीडिया देखते हो, बहुत सारी जगह देखते हो, आप क्लिक करते हो और एक तो लिंक के थ्रू अपन वहाँ पर डायरेक्ट हो जाते हैं, और एक जैसे क्लिक करोगे आप वहाँ पर पूरा आपको पैराग्राफ या उसके रिगार्डिंग डिटेल मिल जाएगी या उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो इस टैग को कैसे क्या यूज़ करना है और इसमें कितने एलिमेंट है, कितने एट्रीब्यूट है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है अपना टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एबर टैग। यहाँ पे हम एबर टैग पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे DFL दोनों ही हम टैग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इमेज को मैं कर देता हूँ एक बार के लिए यहाँ पे हाइड। पिछले वीडियो में हम इमेज टैग के बारे में पढ़ा था, यदि आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हो आई बटन में, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एबर टैग के बारे में पढ़ने वाले, तो आपको सिंपली जैसे हम दूसरे टैग लिखते हैं वैसे ही आपको टैग ओपन एंड क्लोज कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं सिंपल सा HTML लिख देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है टाइटल। टाइटल लिखने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल में देना है जैसे कि हाइपर मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज, और यहाँ पे आप दो तीन लाइनें और कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इस फाइल को मैं अपने ब्राउजर में रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने ब्राउजर में रन करता हूँ यहाँ पे दो चीज़ें आ चुकी है, एक तो ABBR और DFN जो कि हमने H1 में यहाँ पे लिया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML आ चुका है लिखा हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर ओवर करता हूँ तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज, और उसके बाद हमने जो भी लिखा वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे डॉट डॉट भी आ चुके हैं। यही काम हम DFN से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एबर की जगह हम DFN लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम DFN लिख सकते हैं। यहाँ पे जाके मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्स्ट की जो बनावट है वो कुछ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट की बनावट चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा आपको रिजल्ट है वो सेम मिलेगा, हाइपर मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज। और तो ये चीज़ें बेसिकली क्या काम आती है कि जैसे आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई लिस्ट बना रहे हो, कॉमर्शियल साइट बना रहे हो, तो यहाँ पे आप जैसे प्रोडक्ट पे होवर करोगे उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी, या फिर रेटिंग वेटिंग आप कुछ भी देना चाहे इस तरीके से आप दे सकते हो। और ये चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।